आमंत्रित करता हूँ इस परिचर्चा में। सुनील जी, स्वागत आपका। आप चीफ मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट या जो दोनों स्टेटमेंट अभी हमने दिखाए, इसके आप क्या राजनीतिक मायने निकालते हैं? क्या कोई प्रॉब्लम चल रही है बीजेपी के भीतर, या मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी में, या फिर आपको कोई संदेश देना चाहते हैं? ये सच है कि माननीय मुख्यमंत्री जी संदेश देना चाहते हैं, लेकिन वो संदेश किसके लिए है? अगर आप उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करें, योगी जी की, तो दो बयान आप चला रहे हैं जिस पर हम सब लोग डिबेट कर रहे हैं और आपके करोड़ों दर्शक उसकी समीक्षा करेंगे। एक तरफ उन्होंने बयान दिया विधानसभा के अंदर कि हम किसी की नौकरी करने नहीं आए, और एक तरफ वो बयान दे रहे हैं कि कोई भी संत या कोई भी योगी किसी का गुलाम नहीं हो सकता है। तो आप सोचे ना कि आखिर ये बात क्यों कहनी पड़ रही है। वो संदेश साफ है कि एक योगी मुख्यमंत्री एक फकीर को ये संदेश दे रहे हैं कि हम आपके गुलाम नहीं है। दरअसल ब्रजेश जी, है क्या, कुछ हो रहा है जो दिख नहीं रहा है। कहां हो रहा है? लेकिन हो बड़ा रहा है। कहां? भाजपा में हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। कैसे, थोड़ा डिफाइन करो। वो इसलिए कि जिस तरीके से पीडीए ने पूरी भारतीय जनता पार्टी की गर्मी शांत कर दी, वो दिल्ली वाले हों उत्तर प्रदेश वाले हों, तो अब वो जो पीडीए से गर्मी निकाल रहे थे पिछले 7 सालों में, अब वो आपस में गर्मी निकाल रहे हैं कि कौन किसकी गर्मी शांत कर सकता है। ये थोड़ा आपत्तिजनक शब्द नहीं है? अगर आपत्तिजनक शब्द है तो हम वापस ले लेंगे ये, लेकिन शब्द वो है। गर्मी निकालने का मतलब थोड़ा दूसरे तरह लिया जाता है। मैं उसी पे आ रहा हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी नफरती बोल बोलते हैं, असंवैधानिक बोल बोलते हैं। गर्मी शांत कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे, गाड़ी पलटवा देंगे, दिमाग ठीक कर देंगे, ये बोल वो बोल रहे हैं जिन्होंने संविधान की शपथ ली है। माननीय योगी जी ने संविधान की शपथ लेकर के इस तरीके के बयान, अच्छा जब वो बोले कि हम गर्मी शांत कर देंगे तब नहीं, इस पर भी है, नहीं गलत है, गलत नहीं बोला, क्योंकि तो, हमारे यहां इसको थोड़ा दूसरे संदर्भ में लिया जाता है। वो क्या ब्रजेश जी, पीडीए ने उनकी गर्मी शांत कर दी, बीजेपी की गर्मी शांत कर दी, तो जब गर्मी शांत हुई है तो गर्मी कहीं बढ़ी है? आपकी तरफ दिल्ली, दिल्ली में। तो जब दिल्ली में गर्मी बढ़ी है तो जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम किसी के गुलाम नहीं है, तो कोई तो है जो ये एहसास करा रहा है कि आप हमारी कृपा पर हैं। तो आप इनके यहाँ ताक झांक कर रहे हो, इसका मतलब? हम ताक झांक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और विपक्ष में हैं, तो सरकार क्या अच्छा कर रही है। देखो, दलितों पिछड़ों के लिए कितना तो काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक, रोज तो मैं उद्घाटन अच्छा, देखता अच्छा हूं, काम कर डेली नियुक्ति पत्र वगैरह बट रहे हैं, खान साहब बता रहे थे। ठीक बात है, अगर वो अच्छा काम कर रहे होते तो आप सोचिए, एक सरकार को हाई कोर्ट इलाहाबाद की डबल बेंच ने फटकार लगाई कि आपने ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया, ओबीसी का आरक्षण खा गए, दलितों का आरक्षण खा गए, आरक्षण घोटाला कर लिया। एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कि हम योगी हैं, योगी के बारे में हम लोगों ने भी पढ़ा है, योगी वही हो सकता जो भेदभाव न करे, जाति न देखे, ये न देखा कि पिछड़ा है कि अगड़ा है, कि दलित है, अमीर है कि गरीब है। आप पिछड़ा देख करके उनकी नौकरी खा रहे हैं, दलित देख करके आप उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, आप उन पर बुलडोजर चला रहे हैं, आप धर्म देख करके नफरत की बात बोल रहे हैं। अरे मना भी तो नहीं किया 69,000 वालों को, कहा सबके साथ इंसाफ होगा। कमाल है, आप एक तरफ हमको, और आज केशव जी से भी वो लोग मिले, उन्होंने भी कहा भरोसा दिया है। अच्छा अच्छा, तो भरोसा तो बीजेपी दे ही रही है, हम कह रहे हैं भरोसा मत दीजिए। अरे उनका हक है, हक दीजिए, भरोसा क्या दे रहे हैं? और ये कोई कृपा करेंगे क्या? अगर नौकरी दे देंगे तो क्या कृपा करेंगे? ये हक है ओबीसी का और दलित का। वो तो अभी माननीय न्यायालय में गए हैं, वरना सड़क पर लड़ करके इनको हटा करके ले लेंगे। अरे ऐसे कैसे? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था, या तो आपको न्याय न्यायालय से मिलेगा या समाजवादी सरकार में मिलेगा। यही ओबीसी एससी के नौजवान भाई बहन, अगर इनको नौकरी नहीं मिली जी, तो दिल्ली वाले पहले हटाएंगे तो हटा लें, नहीं तो हम लोग तो 27 में हटाने जा रहे हैं।
2024 में इसी पीडीए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को हाफ किया है, इसी उत्तर प्रदेश में हम लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को साफ करेंगे 27 में।